देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बाद अब उत्तर प्रदेश आने वाले यात्रियों की कोविड टेस्ट का काम शुरू करा दिया गया। जिन राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वहां से यूपी आने वाले यात्रियों का एंटीजन टेस्ट कराने के बाद ही उन्हें स्टेशन से बाहर निकलने दिया जा रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में इसके लिए व्यवस्था की गई है, जिसको जांचने खुद जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। गुरुवार सुबह अपनी जांच में डीएम अभिषेक प्रकाश ने यहां पर अधिकारियों से बात की और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जांच की समुचित व्यवस्था करने के लिए कहा। डीएम अभिषेक प्रकाश ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए ये भी कहा कि वो यहां पर आने वाले यात्रियों के वर्तमान पता, उनका मोबाइल नंबर, लखनऊ में उन्हें जहां जाना है वहां का पता और वो जहां से आ रहे हैं उस स्थान की डिटेल्स नोट करें। इसके अलावा हर यात्रियों का एंटीजन टेस्ट करने के बाद ही उन्हें स्टेशन से बाहर निकलने के लिए कहा जाए। कितने लोगों की टेस्टिंग हुई अभी? 15 लोग। इनका मोबाइल नंबर और नोट कर रहे हैं आप? चल पूरा कर बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों की एंटीजन टेस्ट करने की बात कही है। सीएम योगी ने यह हिदायत उन राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए दी है जहां पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। योगी सरकार ने इसके लिए सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा सभी महत्वपूर्ण एयरपोर्ट्स पर भी एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था की जा रही है। बात देश की, बात जिले की और बात शहर की। खबर पर बात, असर पर बात, आपसे जुड़ी हर बात, अपने राज्य की हर बात, व्यवस्था और हालात जोड़ते जाइए और जुड़ते जाइए। तो बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।